नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा और बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी वो छोड़ दें। ये रीडिंग होगी 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक की। 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप उसके साथ रेजोनेट करवा सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। टॉरस, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। इन दिनों जो आपकी पर्सन की स्थिति है, मुझे लगता है ये अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए। स्टेबल ऑफर इनके पास आ रहा है, ये अपनी स्टेबिलिटी को इन्हेंस करने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है बहुत ज़्यादा और धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी रुतबा, अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ हीलिंग के साथ ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन ये रिश्ते को दूर से देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपकी हर गतिविधि को ये नज़र रख रहे हैं। लेकिन ये रिश्ते की क्लैरिटी भी चाहते हैं, दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल इनकी जो सोच है वो है स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी। रिश्ते में स्टेबिलिटी ये उस तरीके से चाहते हैं जिस तरीके से रिश्ते को एक दोस्त, एक दूसरे दोस्त के साथ रिश्ता रखता है। ऐसा नहीं कि शादी, बच्चे, परिवार, उस तरीके से ये नहीं सोच रहा है। इस तरीके से ये अभी अपने बारे में सोच रहा है कि खुद को फिनेंशियल स्टेबल बनाया जाए, किस तरीके से अपना एक रुतबा, एक मकाम रखा जाए, किस तरीके से अपने लाइफ में एक पोजीशन को लाया जाए, पैसे सेविंग्स करना, पैसे जमा करना, अपने मुताबिक चीज़ों को चलाना, हर चीज़ में खुद की कंट्रोल रहना, इन सब चीज़ों के बारे में ये पर्सन फिलहाल सोच रहा है। रिश्ते को ये एक दोस्ती की नज़र से भी देख रहा है और स्टॉक भी कर रहा है। हो सकता है ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करता है, आपके बारे में सब कुछ जो भी जानकारी इनको मिल रहा है ये इसको रख रहा है। पैसे को ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी दे रहे हैं, इनको स्टेबिलिटी चाहिए। हर काम स्लोली बट श्योरली परफेक्शन के साथ ये करना चाहते हैं। देख लेते हैं टॉरस आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। टॉरस,
पेज ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं पैसे आपके लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो रहे हैं। देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं इन कार्डों के साथ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है आपके भी सोच एक जैसे हैं उनके जैसे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको चाहिए, कहीं से आपको पैसा मिल जाए इसका इंतजार भी आपको है। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो, शुरू से शुरू करना चाहते हो अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ में कुछ नया फिनेंशियल स्टेबिलिटी को आप इन्हेंस करना चाहते हो। कहीं आपको रिश्ते में स्टेबिलिटी की ज़रूरत आपको भी इस वक्त नहीं है। आप रिश्ते में इन एंड आउट होना पसंद कर रहे हो, आप चाहते हो कि रिश्ते में जैसा रिश्ता चल रहा है एक अट्रैक्शन, एक एडिक्शन की तरह, फिजिकल अट्रैक्शन की तरह आप एक्शन लेना चाहते हो, नया कर कुछ करना चाहते हो, किसी के साथ मिलके नए जॉब, नए बिजनेस डालना चाहते हो, फिनेंस को स्टेबल करना चाहते हो, दोस्ती आप भी चाहते हो। फिलहाल रिश्ते में एक एडिक्शन, अट्रैक्शन, ये सब कुछ है। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी रिश्ते में आप भी नहीं चाहते हो। फिलहाल आपका भी फोकस जो है कुछ नया करने में है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी में है, कुछ ग्रुप वर्क करना, रिश्ते को लेके आप एक्शन लेना तो चाहते हो, बात करना, मिलना, क्लोजनेस को बढ़ाना, लेकिन पूरी तरीके से रिश्ते में स्टेबल हो जाना ये आपकी करंट फीलिंग्स नहीं है। जिसका भी एनर्जी आ रहा है दोनों की सोच एक जैसे हैं। आप लोग एक्शन के बारे में सोच रहे हो, मिलने के बारे में सोच रहे हो, एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो और दोस्ती रखना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के सोच फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर अटका हुआ है। दोनों के दोनों ही मेहनत करके, चाहे किसी की मदद भी लेने पड़े, लेकिन फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप चाहते हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। आप खुद टॉरस हो, आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है। फिलहाल इतना ही कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे, इतना ही राशि। कोई जेमिनाई, कोई एक्वेरियस हो सकता है आपके पर्सन। कैंसर, स्टार, एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। जो बंदा पहले अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा था, बंदा या बंदी, ये वक्त आते आते धीरे धीरे खुद को हील करना शुरू कर देंगे। स्टार के कार्ड, एस ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। और ये जो सोल कनेक्शन जो फील कर रहा था आपके साथ, जो भी कनेक्शन ये फील कर रहा था, प्यार का सोल कनेक्शन, ये वो उन चीजों से खुद को अलग करने के बारे में सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। हो सकता है आपके साथ इनका, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, आपके साथ इनका प्यार का रिश्ता था, दिल का रिश्ता था, कहीं ना कहीं ये आपको अपना सोलमेट मानते थे, दिल मिलने का रिश्ता था। आपके लिए कितना भी इमोशन उनका ओवरफ्लो होगा, लेकिन ये खुद को आपके साथ रोकने की बजाय आपसे दूर जाने के बारे में सोचेंगे।
क्योंकि उनको ये लगेगा कि उनके लिए उनका फैमिली ही सब कुछ है। ये बंदा या बंदी आपसे ज़्यादा अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंट देंगे, और जो गलती उन्होंने किया है अपने फैमिली से दूर रह के, क्योंकि ये अपने आप को हील भी कर रहे हैं, हीलिंग भी दे रहा है, खुद का गलती का एहसास भी कर रहा है, इनको ये लग रहा है कि इनसे गलती हुआ है, स्टार के कार्ड आए हैं, जो गलती इन्होंने किया है उसको ये सुधारना चाहते हैं, अपनी चक्रास को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी गलती से सीखना चाहते हैं, लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, और जिसकी वजह से ये आपके साथ सोल कनेक्शन फील कर रहा था, आपको अपने सोल में ट्विन फ्लेम मान रहा था, लेकिन उनका ये भरम जो है, जिसे बोलते हैं इल्यूशन, वो टूट सकता है। इनको ये लग सकता है कि मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए और अब मुझे अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है इनके पास पहले से ही परिवार है, ये शादीशुदा है, और ये जाने के लिए, रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए जो हिम्मत की ज़रूरत है, ये उस हिम्मत को जुटाने की कोशिश करेंगे, अपनी इनर पावर को ये इन्हेंस करेंगे, ये खुद को बैलेंस करेंगे, एनर्जीज को बैलेंस करेंगे, चक्रास को हील करेंगे, अकेला रहने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही ऐसा सोच रहा था। ये धीरे धीरे खुद को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते थे, ये परिवार के बारे में सोच रहे थे, ये अपने बारे में सोच रहे थे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, करंट एनर्जी भी उनका वही था, अपने बारे में सोचना, लेकिन धीरे धीरे इनकी सोच, इनकी पारिवारिक सोच बनता जाएगा, और आपके साथ उनका जो रिश्ता है, इस रिश्ते से ये खुद को मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे और खुद को अपने परिवार के साथ जोड़ने के बारे में ये सोचेंगे। कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि मैं अपने परिवार के साथ न्याय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आप भी तो इनके साथ बहुत ज़्यादा पारिवारिक रिश्ते को नहीं फील करते हो, या तो आप इन एंड आउट होते रहते हो या फिर ये रहते रहे, तो अभी इनमें वो चीज़ आएगी कि मुझे अपने परिवार के बारे में सोचना है, मैंने जो गलती किया है अपने परिवार के साथ उसको सही करना है। अगर आप इनके परिवार हो तो ये आपके साथ रिश्ते को सही करने के बारे में सोचेंगी, लेकिन अगर आप इनके परिवार नहीं हो तो ये डेफिनेटली अपने परिवार के साथ रिश्ते को सही करने के बारे में सोचेंगे और प्यार वाला जो रिश्ता है उससे मूव ऑन करेंगे। डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। टॉरस, व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को, पहले हम क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर देखेंगे कि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड क्यों आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। देखो, हर इंसान को अपने बारे में सोचने की अधिकार होता है। ऐसे नहीं कि आप किसी रिश्ते में हो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, डेफिनेटली आप अपने बारे में सोचोगे। वक्त जितना आगे जाता जाएगा, पूरे हफ्ते में आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, अपने बारे में स्टेबिलिटी पाने की इंतज़ार रहेगी। आपको कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून वक्त का साथ, भाग्य का साथ, समय के साथ, सडन गेन, इन चीज़ों पे आपकी फोकस रहेगी। आपको लगेगा कि आपके साथ डेफिनेटली कुछ अच्छा होना चाहिए, ऐसा हो कि आप मुझे पैसा मिल जाए, मुझे नए जॉब मिल जाए, मुझे लव ऑफर मिल जाए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, कहीं से पैसे आने की आपको इंतज़ार रहेगी। आप हर चीज़ को दिल की वजह दिमाग से सोचने लगोगे। आपको लगेगा मुझे अपने बारे में सोचने का अधिकार है,
मुझे भी अपने बारे में सोचना चाहिए, मुझे भी अपने बारे में सोचना चाहिए, इस बात का एहसास आपको होने लगेगा, जिसकी वजह से आप बहुत मैच्योरिटी से खुद को रोक के रखोगे। अगर पहले आप बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होते रहते थे, फिजिकल अट्रैक्शन आपका बहुत ज़्यादा था, बहुत फिजिकली आप खुद को इनके साथ इन्वॉल्व करना चाहते थे, तो धीरे धीरे आप में ठहराव आना शुरू हो जाएगा, आप खुद को स्पिरिट के साथ कनेक्ट करता हुआ पाओगे। आप हो सकता है योगा, मेडिटेशन, कुछ इस तरीके की चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करो, आप यूनिवर्स के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करो। और अभी आप उस तरीके से बिना सोचे, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, एडिक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन की जगह से बिना उस तरीके से ना सोच के अलग तरीके से सोचने लग जाओ, अपनी स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी, सडन लक चेंजेस, अपने बारे में सोचना, खुद के बारे में सोचना और बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखना। क्योंकि अगर आप खुद थर्ड पार्टी हो, किसी शादीशुदा बंदा या बंदी के साथ आप रिलेशन में हो, आप में ये एहसास आ जाएगा कि मुझे अपने बारे में भी तो सोचना है, वही करोगे, फिर खुद को आप थोड़ा सा रोक के रखोगे। इस हफ्ते आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी कि आप बहुत जल्दबाजी करना, रिश्ते में दौड़ भाग करना, रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, ये सब आप नहीं करोगे। जो भी करोगे आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच के आप करोगे। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, भी 12 राशि आ जाते हैं। बहुत बड़ा ये रीडिंग होता है, बहुत कार्ड्स लाने पड़ते हैं, तो इसमें ऑलरेडी 12 के 12 राशि आ ही जाते हैं। और मेजर अर्कना के तो बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, एक तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्टार के कार्ड, अब तक तो 2 आए हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। सेवन ऑफ कप्स को हम अभी क्लैरिफाई करेंगे कि सेवन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली मैंने पहले ही कहा था कि ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, ये रीडिंग उसी तरीके का है, तो आउटकम भी देखो उस तरीके का ही आया है। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड कंफ्यूजन, किसी एक के पास ऑप्शन है तो डिसीशन लेना तो पड़ेगा। इस रिश्ते का आउटकम इसीलिए ऐसा आ रहा है कि रिश्ते में कोई एक है जो सेटिस्फाइड नहीं है, जो अपने परिवार के बारे में सोचने लग जाएगा। दूसरा बंदा या बंदी, उनको भी अपने होश पर काम करेंगे कि भाई मुझे भी अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। तो इस कश्मकश में इस हफ्ता जो है कंफ्यूजन में रहेगा और कुछ दुख, कुछ परेशानी रहेगी, डिसीजन लेने का इंतज़ार रहेगा। क्या करेंगे, परिवार के बारे में सोचे, प्यार के बारे में सोचे, किसके साथ जस्टिस करें, किसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, इस कर्म, जस्टिस, इनजस्टिस, इन बातों में पूरे हफ्ते जाएंगे।
कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए रिश्ते से, क्योंकि मूव ऑन करने के बारे में ऑलरेडी आपके पर्सन सोच रहा है। हो सकता है ये नहीं आप सोच रहे हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो जब तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा तब तक क्या होगा, कोई मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, किसी को लगेगा रुक जाना चाहिए, किसी को लगेगा डिसीजन लेना चाहिए, किसी को लगेगा कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है, इनके पास रिश्ते हैं, शादी है, परिवार है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो इस तरीके की म्यूचुअल आउटकम हर किसी के लिए अलग अलग संदेश लेके आएगा, क्योंकि जो भी कार्ड्स आए हैं, फोर ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, सारे कार्ड जो है ये इंडिसाइसिवनेस की है। दुख, परेशानी, मूव ऑन करना, इंडिसाइसिव हो जाना, कंफ्यूजन में रहना, मतलब आउटकम बहुत अच्छा नहीं है। कार्ड में छुपा के अलग कार्ड निकाल के आपको खुश कर सकती थी ये बोल के कि हाँ अच्छा हो रहा है, आप लोग फिर से मिले, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। शायद आपको मेरा बोलना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच यही है। दुख, परेशानी, कंफ्यूजन, मूव ऑन करने की एनर्जी, इनडिसाइसिव होना, इन सारी चीज़ों में आपका ये हफ्ता जाएगा। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। टॉरस, रिकवरी ये तो होना ही है, क्योंकि कितने देर तक आप दुखी परेशान रह सकते हो? अगर आप रो रहे हो तो कितने घंटे रो सकते हो? दुखी हो कितने घंटे, कितना दिन आप दुखी हो सकते हो? कभी ना कभी तो आपका स्थिति बदलेगा, तो रिकवरी होगी, इस स्थिति की परिवर्तन होगी, सोच में परिवर्तन होगा। और ये तो एनर्जी है, एनर्जी मतलब सोच है। 7 दिन में ये घटना के बाद दूसरा फेज आएगा, कुछ अलग चीज़ें होंगी, सोचने में परिवर्तन हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, आप रिकवर भी करोगे। इसके लिए क्या करना है, आपको शांत रहना है, योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों पे अपना ध्यान लगाना है और अपने आप को सही डिरेक्शन तक ले जाना है, सही सोचना है। उल्टा पुल्टा गलत सलत सोच के खुद को परेशान करके अपनी नींद नहीं खराब करना है, आपको वास्तव तरीके से, वास्तविक तरीके से सोचना है और जो सही है। क्योंकि जो भी कार्ड्स आए हैं, या मैच्योर बंदा या बंदी कोई नहीं है, सारे मैच्योर है, तो मैच्योर तरीके से सोचना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।